हेलो फ्रेंड्स, अभी एक और क्वेश्चन आया है। मेरे एक लड़का था, उसको मैं पहले ट्रेनिंग देता था, अभी उसको TCS में काम कर रहा है और उसका 13 लाख का पैकेज है। तो अभी उसको ऑफर मिला है एसेंचर से, 60% का उसको हाइक मिला है और उसमें कुछ वेरिएबल है। तो सीन क्या है, सीन ये है कि उसका जो मैनेजर है, आप लोगों के साथ भी कंडीशन आती है और आएगी आगे, अगर आप ऐसी नहीं आई है, अभी आपकी पहली कंपनी है ये और अभी आपने स्विच करने का नहीं सोचा है, जब आप सोचेंगे या जिन लोगों ने एक्सपीरियंस है उनको तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो सिचुएशन ये है कि जो उसका मैनेजर है अभी TCS में, करंट कंपनी में, उसने बोला कि भाई तू अपना रेजिग्नेशन जो है वापस ले ले, मैं तेरे को 30% हाइक दिलवाऊंगा। तो वो अब वो जो है दुविधा में है बंदा। एक तो वो है कि उसको TCS का कल्चर पसंद है, क्योंकि इजी लाइफ है थोड़ी ना, वहाँ पे काम कम रहता है, और उसका मैनेजर बोल रहा है कि तुमको 30% हाइक दिलाऊंगा मैं, और ऑन साइट भेजो। ऑन साइट मतलब कि क्लाइंट के लोकेशन पे ना, जो बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं सारे। तो वो अब पूछ रहा था मुझसे कि सर क्या करना चाहिए। तो मेरा जवाब यह है कि अगर जिंदगी भर कम पैसों पे रहना, सबको पता है TCS पसंद लिखा मैं, और मतलब आराम ही करना, तो बात अलग है। मतलब वो बोल रहा है कि थोड़ा आराम है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कहने की कि अपना जो कंफर्ट जोन है उसको थोड़ा छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि आप कंफर्ट जोन अपना छोड़ोगे तो भी कुछ कर पाओगे, बड़ा बहुत बड़ा भी नहीं हो, लेकिन कुछ तो बड़ा करोगे जिंदगी में। अब या आगे अभी आपकी फैमिली भी होगी और बच्चे भी होंगे, है ना, तो उनको देने के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से आपको हटके जाना पड़ेगा। अब आते हैं जो उसका मैनेजर कह रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने मैनेजर की बातों में नहीं आना कभी भी इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि एक तो अगर वो झूठ बोलते हैं, मतलब एक तो वो झूठ बोल रहे हैं कि वो आपको हाइक नहीं देने वाले, और जो है ऑन साइट भी नहीं बोल। TCS में तो अक्सर ये देखा जाता है, बाकी कंपनियों में भी हो सकता है सच बोल रहे हो, लेकिन TCS में अक्सर ये देखा जाता है मैनेजर झूठ बोलते हैं। जब टाइम आता है तो मुकर जाते हैं, क्योंकि आपने रेजिग्नेशन वापस ले ही लिया है और आप अगले हफ्ते तक रुकोगे आप। दूसरा के जब आपने रिजाइन कर दिया तभी क्यों उनको आपकी वर्थ नजर आई, पहले क्यों नहीं उन्होंने आपको देखा कि यार ये बंदा अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि फिक्स इंक्रीमेंट होगा आपका 2-3%, प्राइवेट जॉब है ना, तो काम अच्छा कर रहा है बंदा तो उसको अच्छा हाइक दो, इंक्रीमेंट दो। और जब वो छोड़ के जा रहा तभी क्यों आपको ध्यान में आ रहा है कि यार आप मैं आपको दे दूंगा आप मत जाओ। अगर वो आप रोक रहे हो तो उसका मतलब बंदा अच्छा था तो आपने पहले उसकी वैल्यू क्यों नहीं करी, और अब वो अपनी वैल्यू करवा रहा है, कोई और उसकी वैल्यू कर रहा है मार्केट में, तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको ध्यान में आ रहा है कि यार मेरी भी मुझे भी वैल्यू करनी है आपकी, तब मतलब तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो पहले भैया दोनों तरफ से होता है ना, वो आपका काम अच्छा कर रहा है तो आप भी उसको अच्छा पे करो। तो ऐसा लोगों की सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में आती है तो नहीं फंसना है, वो ना तो आप कौन सा भेजने वाले हैं और ना ही आपका हाइक करने वाले। और अगर उसके इस केस में बात करूं तो 30% हाइक बोल रहा है उसको, तो आपको दूसरी कंपनी में जाकर 60% हाइक मिल रहा है, आपको 13 से लगभग 20 लाख के करीब उसका पैकेज हो जाएगा वहाँ पे, और नई नए प्रोजेक्ट्स पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा। सेंचर का जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो भी TCS से बेटर होता है, क्योंकि TCS में 2-3% होता है, वहाँ पे कम से कम 6-7% होता है सेंचर में, TCS से भी बेटर है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आपने रेजिग्नेशन दे दिया और वापस ले लोगे तो वो इज्जत भी आपको इस कंपनी में नहीं रहेगी जो पहले थी, है ना। बस भले ही आपका पैसा बढ़ जाएगा लेकिन वो आप अपनी मैनेजर की नज़र में आ जाओगे और हो सकता है आपको एक्स्ट्रा काम करवाए उसी, मतलब पैसे भी ना बढ़वाए और काम भी एक्स्ट्रा करवाए, और बढ़ भी गए तो आपका रिलेशन तो खराब होगा ना, वो उनको लगेगा कि ये तो बंदा कभी भी चला जाएगा पैसों के लिए। तो एक बार रेजिग्नेशन सोच समझ कर दो, जब दे दिया तो अब वापस मत आओ और उस कंपनी में कभी वापस जाओ ही मत ना, फ्यूचर में भी मत जाओ। बहुत से लोग होते हैं जैसे TCS में तो ये पॉलिसी है कि एक बार आपने TCS छोड़ दी तो दोबारा आप नहीं जा सकते, लेकिन बहुत सी कंपनियों में आप जा सकते हैं। तो मेरा कहना है कि कंपनियां बहुत सारी हैं तो
आप ना ही जाओ एक बार, किसी कंपनी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पास्ट की बात हो गई, अगर कुछ स्पेशल कंडीशन बन रही है तो बात अलग है। तो मैं बस यही मैं बताने के लिए आपको वीडियो बनाई है कि ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए मैनेजर के, एक बार डिसाइड कर लिया तो जाना है तो जाना है, बाकी कंफर्ट जोन छोड़ो। टीसीएस का, टीसीएस सिर्फ लास्ट के लोगों के लिए है ना, या अगर आज ए फ्रेशर भी जा रहे हो तो कुछ टाइम तक आप रहिए, साल 1.5 साल कुछ सीखिए कॉर्पोरेट में कैसे गाते हैं कैसे काम करते हैं, उसके बाद छोड़ दीजिए। और जब आप अपने करियर के रिटायरमेंट में हो, अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो और अच्छी खासी पैकेज है वो आपका, वैसे टीसीएस अच्छा पैकेज भी नहीं देती है, लेकिन आपने सोच लिया कि अब मैं रिटायरमेंट के टाइम पे हूँ, अब मेरे को बस आराम करना है, तो आप जा सकते हैं टीसीएस में, थोड़ा कम पैकेज भी आपको मंजूर है, तब आप चाहिए टीसीएस में। लेकिन जब आप के मेहनत करने के दिन है तो आप टीसीएस में जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए, है ना, और बाद में आइए, बाद में जो ऑलरेडी छोड़ चुका है तो बाद में कह रहा नहीं सकता, लेकिन दूसरी कंपनी से बाद में आना चाह रहा है तो वो आ सकता है, उसके लिए बेटर है, ऑप्शन है। तो थैंक यू सो मच, बाय।